हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 5 मैथ्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1। ए वर्कर अंश सम नंबर है 9। ए वर्कर अंश रुपी 1750 इन 7 डेज। फाइंड द अमाउंट ही अर्न्स इन ए मंथ ऑफ 330 डेज। तो सबसे पहले हमें 1750 डिवाइड बाय 7 करने का है। तो एक डे वन डेज की जो वो अर्न करता है वो आएगा रुपीज़। तो हमने ये किया तो उसका वन डेज का जो अर्न था वो 250 है। तो 250 को हमने 30 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया उसकी 30 डेज की जो है वो 7500 रुपीज़ उसकी 30 डेज में उसे मिलेंगे। अब दूसरा है द कॉस्ट ऑफ 4 डजन सोप केक्स इज रुपीज़ 720। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 25 सोप। 750 रुपीज़ है प्राइस 4 डजन केक्स की, सोप केक्स की। तो 25 रुपीज़ का कितना रुपीज़ होगा वो हमें देखने का है। तो हमने पहले 1 डजन इक्वल 12 आएगा। तो 4 डजन इक्वल 12 फोर सा 48। तो 4 डजन इक्वल 48 के आएगा। तो हमें पहले उसकी 720 को 48 से डिवाइड करेंगे तो 1 सॉप की कितनी प्राइस है वो हमें मिलेगी। तो वो 1 सॉप की प्राइस है रुपीज़ 25 के सॉप की कितनी प्राइस होनी चाहिए। तो हमें 25 मल्टीप्लाई 15 करेंगे तो उसकी प्राइस आएगी रुपीज़ 375।